हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम कैसे अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। तो सबसे पहले आपको अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद आपको टाइप करना है वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड, उसके बाद एंटर पे प्रेस कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको eci.government.in की जो वेबसाइट दिख रही है, इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड ई एपिक कार्ड लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये पहले nvsp.in पे आएगा और ये 5 सेकेंड बाद रिडायरेक्ट कर देगा आपको जो एक्टिव वेबसाइट है। तो जैसे ही आप इसमें आएंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन और या साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने पहले ही अपना मोबाइल नंबर अपने एपिक नंबर से रजिस्टर करवा रखा है, यानी कि आपने वोटर आईडी कार्ड से कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे, अदरवाइज साइन अप करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और ओटीपी वगैरह को फिल करके अपना नंबर वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद फिर से लॉगिन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके अपना ओटीपी फिल करेंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे सक्सेसफुली। मेन वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे, यानी कि voters.eci.government.in वाली पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे या फिर आप आ जाएंगे, सीधी सी बात। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपको सर्विसेज दिख रही है। तो सर्विसेज में आपको ई कार्ड पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। यहाँ पर आप अपना एपिक नंबर डालेंगे और उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप अपना एपिक नंबर और स्टेट्स डाल देंगे तो सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम और आपका जो मोबाइल नंबर और कंस्टिट्यूएंसी, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी सब दिख जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड से अपडेटेड होगा तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे, अगर नहीं होगा तब वो फॉर्म 8 फिल करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी था, मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दिया ओटीपी का। जैसे ही मैंने ओटीपी का रिक्वेस्ट किया, मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गई। फिर उसके बाद मैंने अपना ओटीपी एंटर करना स्टार्ट कर दिया है। आपके भी ओटीपी आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो आप भी अपना ओटीपी एंटर करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये ज़्यादा नहीं, 1 MB से भी कम की फाइल है, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप क्लिक करके अपना जो है वोटर आईडी आप चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें सही हैं, और इसको आप चाहे तो प्रिंट करवा लें प्लास्टिक कार्ड में, पीवीसी कार्ड में, जिस तरीके से आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।